मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 लाख परिवारों को डिजिटली और 10 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण आवासीय अभिलेख घरौनी सौंपी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि अगस्त 22 तक प्रदेश के सभी 1,10,000 से अधिक राजस्व गांवों का सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और अक्टूबर 2023 तक हर ग्रामीण परिवार को घरौनी उपलब्ध करा दिया जाएगा। शनिवार को जालौन प्रदेश का पहला जनपद बन गया है जहां 100% लोगों को घरौनी तैयार हो चुकी है। वहीं गोरखपुर जिले के सदर तहसील के 262 लोगों को और सहजनवा तहसील के 595 लोगों को घरौनी सौंपी गई। मुख्यमंत्री योगी शनिवार को लोक भवन सभागार में आयोजित समारोह में स्वामित्व योजना के तहत डिजिटली और भौतिक रूप से घरौनी प्रमाण पत्र सौंपने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं जिनके प्रयास से अप्रैल 2019 से यह कार्यक्रम शुरू हुआ। यह महज एक कार्यक्रम नहीं, तकनीक है जो ग्रामीणों को उनकी पुश्तैनी आवासीय जमीन का मालिकाना हक देने वाला अभियान भी है। आज उत्तर प्रदेश के 34 लाख परिवारों को घरौनी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। घर का मालिकाना हक मिलने के बाद अब यह लोग कोई व्यवसाय करने के लिए बैंक से लोन भी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा था, प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर ग्राम का कार्य शुरू किया। आज 34 लाख से अधिक परिवारों को घरौनी प्रमाण पत्र का वितरण संपन्न हुआ है। यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। संयोगी है आज इस देश ने आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाई थी। 1975 को आज के दिन जब चोरी छिपे जबरन इस देश पर आपातकाल थोपा गया था और उसके बाद देखते ही देखते लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन खड़ा हुआ था। लोकतंत्र की आज इस दृष्टि से भी विजय है कि 23 लाख परिवारों को घरौनी वितरण का कार्य संपन्न हो चुका है। 11 लाख परिवारों को घरौनी प्रमाण पत्र वितरण के लिए आज हर तहसील मुख्यालय पर आयोजन किया जा रहा है। ऐसे लोग वर्षों से अपनी जमीन पर रह रहे थे लेकिन छोटी छोटी बातों पर अक्सर विवाद होता था। घर गिरने पर अपना मकान बनाने से कहीं दबंग तो कहीं माफिया रोकता था, कहीं लेखपाल रोकता था, वसूली होती थी। आबादी की जमीन से दबंग गरीब को उजाड़ देते थे। तकनीकी से तैयार घरौनी प्रमाण पत्र के बाद इस पर विराम लग गया है। तकनीकी से आवासीय भूमि की पैमाइश होती है, ड्रोन से सर्वे होता है, गांव की खुली बैठक में सहमति और असहमति के कमेंट लिए जाते हैं, सबका समाधान होने के बाद घरौनी तैयार की जाती है। अब तक 34 लाख लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। आज जालौन प्रदेश का पहला जिला बन गया है जहां के 100% ग्रामीणों को घरौनी मिल चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासीय प्रमाण पत्र के अभाव में 1 फीट 2 फीट जमीन अथवा नाली को लेकर विवाद होते थे, कहीं आबादी की जमीन पर पशु बांधने पर विवाद शुरू हो जाता था, न्यायालय में न्याय के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाती थी, इस पर पैसा और समय दोनों बर्बाद होता था। डबल इंजन की सरकार ने इस सभी समस्याओं से मुक्त कर दिया है। देश में 2,50,00,000 लोगों को घरौनी का वितरण हो चुका है। प्रदेश सरकार इस अभियान के रूप में ले रही है। घरौनी से बैंक लोन लेने की क्षमता प्राप्त होगी और वह व्यवसाय भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वृहद योजना तैयार की है। 2017 में सत्ता में आते ही हमने भूमाफिया और राजनीतिक संरक्षण में गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ एंटी भूमाफिया फोर्स गठित किया था। 64,000 हेक्टेयर भूमि मुक्त कराई। मुसहर, चेरो, वनटांगिया, सहरिया, चेरो, कोल, जिनकी कोई आवाज नहीं सुनी जाती थी, उन्हें जमीन का टुकड़ा दिया, मकान दिया। आज कोई ग्रामीण अभाव की जिंदगी नहीं जी रहा है। सबको राशन कार्ड, फ्री में राशन, रसोई गैस, विद्युत कनेक्शन और अब हर घर को नल से पेयजल देने जा रहे हैं। एक संवेदनशील सरकार इसी तरह कार्य करती है। इसी तरह हर निराश्रित बुजुर्ग, महिला, दिव्यांग और कुष्ठ रोगी को पेंशन दे रहे हैं। इन लोगों को 2017 से पहले 300 रुपये पेंशन मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह किया है। भूमि विवाद को कानून व्यवस्था की आधी जड़ बताते हुए सीएम योगी ने कहा कि जनता दर्शन में प्राय सर्वाधिक मामले भूमि विवाद और पुलिस से जुड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद को खत्म करने के लिए चुनौती के रूप में लें और लैंड रिकॉर्ड को प्राथमिकता पर लेते हुए युद्ध स्तर पर कार्य करें। 6 साल बाद खतौनी में नाम दर्ज करने की बजाय जमीन बेचते ही खतौनी में नाम जोड़ा जाए, क्योंकि कई बार एक ही जमीन को एक व्यक्ति बार बार बेचता है, इससे विवाद बढ़ता है, लिहाजा इसे हर हाल में रोकना पड़ेगा।
इसे समय सीमा के अंदर करना ही होगा। राजस्व परिषद और रजिस्ट्री विभाग को यह देखना होगा कि बेचने वाले की जमीन है या नहीं। गलत करने वालों को पुलिस को सौंपें। यह व्यवस्था जोड़ी जाए तो आधी समस्या और विवाद का समाधान हो जाएगा। राजस्व विभाग और पुलिस विभाग को धोखाधड़ी से मुक्त करना होगा। वरासत के लंबित मामलों को देखते हुए सीएम योगी ने कहा कि इसके लिए लोगों को बार बार चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसे में वरासत दर्ज करने की एक समय सीमा निश्चित होनी चाहिए और लंबित मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसी तरह पैमाइश की समस्या का समाधान करने के लिए समय निर्धारित होना चाहिए। समय से पैमाइश समस्या का समाधान होने से अपराध में कमी आएगी और प्रदेश का विकास होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आधुनिक तकनीकी से घरौने का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। इससे संपत्ति का विवाद खत्म होगा और व्यक्ति को मालिकाना हक मिलने से लोन आदि की सुविधा मिलेगी। आबादी का प्रारंभिक डाटा तैयार होने से योजनाओं का बेहतरीन क्रियान्वयन हो सकेगा। साथ ही गाँव की वित्तीय सुदृढ़ता भी मजबूत होगी और गाँव विकास के पथ पर अग्रसर होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जीडीपी की तरह हर जनपद की भी जीडीपी बनना चाहिए ताकि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर प्रदेश की तरह जनपद भी आत्मनिर्भर बने। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर गांव की आधारशिला का यह अभियान है जो जागरूकता के साथ हर व्यक्ति को जोड़कर लाभ पहुंचाने का कार्य करेगा। मेरठ से श्री वेद प्रकाश। लखनऊ से श्रीमती विनोदिनी। घरौनी वितरण का कार्यक्रम न केवल प्रदेश के अंदर लोक भवन के सभागार के माध्यम से बल्कि प्रदेश के अंदर हर तहसील मुख्यालय पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करके उन सभी लोगों को जो वर्षों से वहां रह रहे थे लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के, आपने देखा होगा एक छोटा सा विज्ञापन यहां पर हम लोगों ने जारी किया था, कहीं पर कोई गरीब का मकान टूटता था तो गांव में कोई दबंग उसको फिर से मकान नहीं बनाने देता था, कहीं पर कोई व्यक्ति दबंगई से रोकता था, कहीं कोई माफिया रोकता था और कहीं पर राजस्व विभाग के लेखपाल की कृपा हो जाती थी कि वह उस पर जबरन कब्जा करने से गरीबों को रोकता था और उसके नाम पर मनमाना वसूली करता था। आज इस पर पूर्ण विराम लगाते हुए तकनीक का उपयोग किया गया है। आपने देखा होगा अब ये राजस्व कर्मियों के जरीब से या फीता नापने से जमीन का पैमाइश नहीं होगा बल्कि ड्रोन सर्वे के माध्यम से एक एक गांव की खुली बैठक में इसका सर्वे होता है। गांव की खुली बैठक के माध्यम से आपसे इस पर सहमति और असहमति के कमेंट भी लिए जाते हैं और उसके बाद जब सभी बातों को संपन्न कर लिया जाता है, सभी प्रकार की समस्याओं का वहां पर समाधान हो जाता है तो फिर घरौनी वितरण के कार्यक्रम के लिए भी इस प्रकार के आयोजन संपन्न होते हैं और अब तक 34 लाख परिवारों को इस सुविधा का लाभ दिया जा चुका है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज के साथ ही प्रदेश का जालौन पहला जनपद है जिसमें 100% यानी 100% ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण अभिलेख का वितरण हो चुका होगा। यानी वहां पर अब गांव में जो छोटे छोटे विवाद होते थे, विवाद का कारण क्या था, कभी जमीन बड़ी जमीन के कारण कोई फौजदारी के मुकदमे नहीं बनते, छोटे छोटे बातों को लेकर एक फुट आधा फुट या घर के सामने कोई नाली बना लिया या ग्राम आबादी की लैंड है वहां पर किसी ने पशु बांधा है, कोई दबंग आया उसने जबरदस्ती उस पर कब्जा करने का प्रयास किया, ऐसी बात को लेकर के विवाद बढ़ता है बढ़ता बढ़ता है। और जमीन का विवाद तो ऐसा है कि जब एक बार प्रारंभ होता है तो न्यायालय में भी बहुत लंबा समय लगता था, पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाती थी, मुकदमा लड़ा जा रहा है, जितने की जमीन की कीमत नहीं उससे ज्यादा उनका न्यायालय में जाने और पैसा खर्च करने में व्यतीत हो जाता था। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार ने आपको इस सभी समस्या से मुक्त करते हुए तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए ये सभी सुविधाएं यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है।
अगस्त 22 तक यानी इस वर्ष 22 अगस्त महीने तक हम पूरे प्रदेश के अंदर जो 1,10,300 से अधिक ग्राम राजस्व गांव हैं, इन सभी का हम सर्वे का कार्य संपन्न कर चुके होंगे।